दूधूगढ़ जलते ट्रांसफार्मर की ये तस्वीरें फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी की है, जो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सामने आई है। जी हां, स्थानीय लोगों की माने तो इस ट्रांसफार्मर में पिछले कई दिनों से शॉर्ट सर्किट हो रहा था, जिसकी शिकायत बिजली कर्मचारियों को की गई थी। बावजूद इसके बिजली विभाग ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आखिरकार देर शाम इसमें जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। ये धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। या कितनी भयंकर थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पास की एक दुकान इस आग की चपेट में आ गई। इस घटना की सूचना जब स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी तो बिजली कर्मचारी केवल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन काट कर चले गए, जिसके बाद अभी तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर में 7 बजे पहले आग लगी है एक बार, उसके बाद 1.5 घंटे तक चलती रही है, फिर बुझ गई है। फिर 9 बजे बड़ा हादसा हुआ है, जो एक दुकान साइड में वो भी जल गई होगी जी, पर लेकिन फिर बिजली वाले आए, फिर तार हटा के गए हैं जो बड़ी लाइन से थे। उसके बाद फिर बोल के गए हैं जी हम सुबह देखेंगे, अभी 11 बज गए, 11 बजे तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, इसलिए हमें मजबूरन आना पड़ा है। ना घर में पानी के लिए पानी नहीं है, ना कुछ भी है जी। ऐसा जी, हमारे यहाँ जो है कि 2-3 दिन से तो यही रेगुलर हो रहा है, ट्रांसफार्मर में हल्की हल्की सी लाइट जलती है, उसके बाद में बुझ जाती है, लेकिन कल जो है कि शाम के टाइम में लाइट वो आग लगी है, उसके बाद में वो बुझी है, 1.5 घंटे बाद फिर एकदम ब्लास्ट हुआ है, बहुत बुरा ब्लास्ट हुआ है। ये लगा लो अगर वहाँ पे 2-4 आदमी होते वो भी लपेट में आ जाते, खत्म थे वो। वहीं जब इस मामले में बिजली बोर्ड के SDO से सर्कल ऐप की टीम ने बात करनी चाहिए तो बिजली विभाग के ऑफिस में SDO साहब नदारद दिखे। दिल्ली दर्पण TV के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।